मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड सब सारी चीजें डाल। नमाज का हम काम नहीं लिखेंगे। बेटा आज हम सबक की दोहराई भी करेंगे और आपके सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये 3 सवाल आप लोग नहीं कर सके थे ना। सबक अल्लाह देख रहा है कि ठीक है, सबक अल्लाह देख रहा है कि आपने पहले 4 सवाल किए थे, आज हम सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये करेंगे। ठीक है, हम पहले दोहराई करेंगे फिर सवाल की दोहराई करेंगे। आपकी छुट्टियां कैसे गुजर रही? गुड। अच्छा, अच्छी गुजरी। शाबाश, क्या किया आपने? पढ़ा? गुड गुड, फाइन। छुट्टियों का काम भी किया था। शाबाश करो। आज हम अल्लाह से दोबारा पढ़ेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे और सवाल नंबर 6 और 7 ये आप फॉलो में करेंगे काम। 15 जनवरी 2020 जमात का काम जुम्मा। ठीक है, आपने बाकी 3 सवाल कॉपी पे। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताए कि अल्लाह देख रहा है, इस सबक में आपने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको? मुझे जरा बताए ना अपने बच्चा, इस सबक में आपने क्या पढ़ा था? अम्मी को सेफ चोरी करने से बचाया। वेरी गुड, और आपने क्या पढ़ा था? चोरी मत करना। चोरी गलत बात है, गुनाह है। और क्या पढ़ा था? और फिर वो उनके जहाँ पे खेत वाले अंकल ने उन्हें एक सेब दिए थे, फ्रेश सेब। बिल्कुल, उसने चोरी नहीं की थी ना। ठीक है, तो जो बाग का मालिक था उसने वो देखा कि बच्चों ने चोरी नहीं की और वो सेब लिए बगैर जा रहे, तो उसने मुफ्त में इतने ज्यादा अच्छे वाले सेब उनको दे दिए थे। ठीक है, और एक और चीज इसमें सीखी थी कि दोस्ती में कभी किसी को गलत बात नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने साथी दोस्त को अच्छी बात बताए, ठीक है, गलत बात से रोके। अब आपके दोस्त ही तो आप क्या करते हो कि उनको गलत बातों से रोकते हो? अगर आपका कोई दोस्त गलत काम करे, झूठ बोले, चोरी करे, बगैर पूछे कोई चीज उठा ले, तो आपने क्या करना है? इसको मना करना है कि ये काम नहीं करो, ये गलत बात है। ठीक है, आगे समझ? यस। अब इस सबक की दोहराई करेंगे, अपनी पेंसिल हाथ में ले लें आप। वाले का काम में बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हर रोज एक बात से गुजरते थे। एक दिन वो स्कूल से घर जा रहे थे कि हमें बाग में एक बड़ा खुशेरे का दरख्त नजर आया जिसमें सेब लटक रहे थे। लाल लाल ताजा सेब देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आया। आमिर का तो दिल इतना लुढ़क आया कि वो कुछ सोचे समझे बगैर ही दरख्त पर चढ़ गया।
खालिद सीखा हमें जल्दी नीचे उतरो क्योंकि कोई देख रहा है। अच्छा हम लोग की आवाज ना आ रही है। आप लोगों ने बातें नहीं करनी। शाबाश बिल्कुल खामोश। आमिर ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। आमिर जो है वो सेब चोरी करने के चक्कर में है कि मैं सेब उतारू दरख्त से, ठीक है। तो खालिद जो उसको मना कर रहा है, तो आमिर कहता है क्यों मुझे तुम मजाक कर रहे हो, मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। आमिर दरख्त पर चढ़ता ही गया और खालिद चीख चीख कर उसे नीचे बुलाता रहा। आखिरकार आमिर नीचे उतर आया और नाराज होकर बोला, ये तुम क्या कह जा रहे हो, चारों तरफ देखो कोई भी तो आसपास नजर नहीं आ रहा। अब वो आमिर उसको कहते हैं कि तुम क्यों ऐसे चीख रहे हो, आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो खालिद आमिर का बहुत अच्छा दोस्त था, कहने लगा क्या तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा होता है। जी बच्चों आपको ये तो मालूम है ना कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारी शहरब से भी करीब है हमारे, ठीक है ना। तो हमें ये डर होना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। तो अल्लाह ताला का डर हमारे अंदर होगा तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। यहां भी अपने को अकेला ना समझो, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, बगैर इजाजत सेब तोड़ना गुनाह है। आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दोस्त तुम सच बोल रहे हो, तुमने तो मुझे इस गुनाह से बचा लिया, जज़ाकअल्लाहु खैरा। ये सुनकर खालिद मुस्कुराया। अभी दोनों बाग से निकल ही रहे थे कि बाग का मालिक आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि खालिद जो है उसने अपने दोस्त को गुनाह करने से बचा लिया, तो आमिर ने क्या कहा है, जज़ाकअल्लाहु खैरा के खालिद तुमने मुझे गुनाह से बचा लिया है, ठीक है, उसका शुक्र गुजार हो गया है वो। पूछा बच्चों क्या तुम्हें ताजा सेब खाने, बाग का मालिक आ गया तो वो उससे पूछ रहा है तुम्हें ताजा सेब खाने। खालिद ने कहा सुभान अल्लाह बिल्कुल, हम तो जरूर खाएंगे। बच्चों इस तरह बुराई से बचने को तकवा कहते हैं, ठीक है। तकवा जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तकवा इख्तियार करने से क्या होता है, हमें अल्लाह ताला पर यकीन मजबूत हो जाता है और अल्लाह ताला के हम करीब हो जाते हैं, ठीक है। बाग के मालिक ने इन दोनों को बहुत सारे सेब दिए। तकवा इख्तियार करने वाले को वालों को अगर बाग का मालिक इनाम दे सकता है तो सोचो कि दुनिया का मालिक ऐसे लोगों को क्या कुछ इनाम देता होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला जब अपने बंदों को तकवा इख्तियार करने पर इतना इनाम दे सकता है तो दुनिया में भी तो आपको कितने इनामात मिलेंगे अगर आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों यानी तकवा करने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला मुत्तकी परहेजगार लोगों को बहुत पसंद करते हैं। चलिए भाई बच्चों अब तकवा से मुतालिक एक और वाकया सुनिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बोले, क्या तुम किसी ऐसी जगह से गुजरे हो जहाँ रास्ते में दोनों तरफ कांटे वाली झाड़ियां उगी हुई हो। वो शख्स बोला जी हाँ। हजरत उमर फारूक ने पूछा फिर इस रास्ते से तुम किस तरह गुजरे। आदमी ने कहा मैं कपड़े समेट कर देखभाल कर अपने आप को बचा कर निकला कि कहीं कांटे ना चुभ जाएं।
अब हजरत उमर फारूक जो है वो तकवे से तकवा के हवाले से किससे पूछ रहे हैं कि तुम किसी ऐसी जगह से गुजरे हो जहां से झाड़ियां हो। बच्चों आप भी किसी ऐसी जगह से अगर गुजरे जहां पे कांटे वाली झाड़ियां हो तो आप अपने कपड़ों को बचाएंगे ना कि आपके कपड़े फट ना जाए। ठीक है, इसी तरह से कोई भी जब गुजरता है तो वो अपने कपड़े को बचा कर गुजरता है कि उसके कपड़े खराब ना हो। ठीक है, तो हजरत उमर फारूक ने कहा दुनिया में फैली हुई बुराइयों से खुद को बचा कर ही निकलना तकवा है। दुनिया में जो बुराइयां फैली हुई हैं आप जब उनसे बच कर निकलेंगे ना वो क्या है, तकवा है। गुनाह अल्लाह ताला को नाराज करते हैं और बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब गुनाह से क्या होता है कि अल्लाह ताला नाराज होता है, हमें गुनाह नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए गुनाहों से, और हमें से क्या होता है नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अपने आप को अच्छे काम की तरफ दिल लगाना चाहिए कि हम बुरा काम ना करें, अच्छे काम करें। ठीक, अब बच्चों आपने सबक पूरा रिवाइज कर लिया है, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने अपने साथी दोस्तों को भी बुराइयों से इसी तरह रोकना है, चाहे वो स्कूल में आपके दोस्त हैं, आपके घर के पास हैं, आपके फ्रेंड्स के कजन हैं, आपके जो भी है। ठीक है ना, आपके बहन भाई कोई गलत बात करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, आप लोगों को रोकना है। ठीक है, क्योंकि बुराई करना गलत बात है। अब आप अपने दर्ज सवालात के जवाबात में मश्क देखें। पहले चार सवाल आपने कर लिए थे, उम्मीद आपने कॉपी पे कर लिए होंगे और आपको समझ आ गई होगी। हजरत उमर फारूक के वाकये में आदमी कांटों वाली झाड़ियों में से किस तरह निकला। ठीक है, सवाल नंबर 5 है ये। आपने बिल्कुल इसी तरह कॉपियों पर हाशिया लगाना है, ऊपर जमात का काम, तारीख, आज का दिन सब इसी तरह से लिखना है जैसे आप क्लास में काम करते थे उसी तरह। हजरत उमर फारूक के वाकये में आदमी कांटों वाली झाड़ियों में से किस तरह निकला। आदमी कांटों वाली झाड़ियों में से कपड़े समेट कर देखभाल कर अपने आप को बचा कर निकला, कहीं के कहीं कांटे ना चुभ जाए। ठीक है, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 6 है, दुनिया में हर तरफ बुराइयां फैली हुई हैं, यहाँ हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब है, दुनिया में फैली हुई बुराइयों से खुद को बचा कर निकलना ही तकवा है। गुनाह अल्लाह ताला को नाराज करते हैं और बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 7 है, हजरत उमर फारूक के वाकये से आपने क्या सबक सीखा। हमने ये सबक सीखा कि खुद को बुराइयों से बचाना ही असल नेकी है और इससे अल्लाह खुश होता है। ये 3 आपके छोटे छोटे से सवाल हैं, आपने इनके प्यारे से जवाब कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, और काम अच्छा सा साफ सुथरा करना है। ठीक है, आपको नीचे नोट भी नजर आ गया होगा, मैंने लिखा है कि काम को सफाई के साथ करें।